राहुल एक जवान छात्र है जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर आया। रात के समय वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने एक पुरानी भूतिया हवेली के बारे में सुना था। राहुल को यह सुनकर बहुत रोमांचित महसूस हुआ। रात के अंधेरे में राहुल ने अकेले ही हवेली की ओर प्रस्थान किया। जब वह हवेली में पहुंचा, तो उसने वहां कुछ अजीब और भयानक महसूस किया। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर घूमना शुरू किया। धीरे धीरे राहुल को एक अजीब और डरावनी आवाज़ सुनाई दी। उसने पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए विस्तार से घूमना शुरू किया। तभी उसने एक अंधेरे और कोने में कुछ अनोखा देखा। वहाँ एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी, जिसमें भूतों के बारे में विस्तृत लेख थे। राहुल ने किताब के पन्नों को पलटा और देखा, एक अद्भुत वस्तु खोज में पहुंच गया। लेकिन तभी एक अनजान और डरावने साए ने उसे घेर लिया। राहुल का दिल धड़कने लगा और उसने भागने का निर्णय लिया। जब वह बाहर निकला, तो उसने महसूस किया कि कुछ उसके पीछे है। वह भागते भागते अपने घर तक पहुंच गया और कभी भी उस हवेली में वापस जाने का निर्णय नहीं लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।